रीवा की अमिया थाने में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 वर्ष के मासूम का शव लेकर परिजन थाने पहुंच गए तथा थाने के बाहर ही मासूम के शव को रख दिया और निजी अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले को गंभीरता से समझते हुए निजी अस्पताल के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि अमिया थाना क्षेत्र में स्थित निजी अस्पताल में शासकीय डॉक्टर नरेश बजाज के द्वारा मासूम का इलाज किया जा रहा था, परंतु डॉक्टरों के द्वारा मासूम के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई तथा अब डॉक्टरों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर परिजन थाने पहुंच गए, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला कायम किया गया है तथा कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया गया। इसके अलावा परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बंधक बनाकर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने जांच की बात कही है। आपको बता दें कि मामले पर डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा शासकीय अस्पताल में रेफर किए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद परिजन बिना ऑक्सीजन के ही मासूम को लेकर अस्पताल के लिए चल दिए, जहां पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले पर सबसे बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकारी अस्पताल होने के बावजूद मासूम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा शासकीय डॉक्टर अपने फर्ज की बजाय पैसों को तरजीह देते हुए निजी अस्पताल में मासूम का इलाज करा रहे थे। सूचना आई है, अभी एक बालक है 4 वर्ष का, उसके एक्सपायर होने की। बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जाँच की जाएगी, अगर परिजन सहमत होंगे तो पीएम करा के जो भी जांच में आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या थी बच्चे को? डॉक्टर से अभी पता करवाया हॉस्पिटल से, तो बता रहे हैं लंग इन्फेक्शन था जो काफ़ी बढ़ गया था और इलाज के दौरान ही उसको जो है तुरंत जो है SGMH रेफ़र किया जा रहा था गंभीर होने पर वो बचाया नहीं जा सका। कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है, तत्काल ही पुलिस भेज दी गई थी हॉस्पिटल में और वहाँ कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कुछ आता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बोले सोनोग्राफर करा लाओ, सोनोग्राफर करा के लाएँ तो शाम को आए सर, तो बोले कि सही है, फिर सुबह बोले वो करा के लाओ एक्सरे का रिपोर्ट देखते तुम्हें छुट्टी दे देंगे, वो चले गए। फिर जो डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं उनसे बोले कि सर वो रिपोर्ट दे दीजिए, तो बोले कि चले जाओ वहाँ एक्सरे करा लो, फिर इसके बाद दवा लिख देंगे, तुम चले जाना। ठीक है सर, और वहाँ हम रिपोर्ट के लिए वो करने चले गए, कितने नंबर पर लगेगा हमारा नंबर, और यहाँ इंजेक्शन लगा दिए, वहाँ से आए ऊपर देखे बच्चा अटने लगा, फिर वो डॉक्टर बोला जब अटने लगा तो वो डॉक्टर वहाँ जो थे वो बोले ले जाओ संजय गांधी, वहाँ से लेके आए यहाँ सिमोर चौराहा बजाज सर के पास, फिर वो यहाँ देखें फिर भेज दिए यहाँ संजय गांधी। कब भर्ती किए थे बच्चे को? 6 तारीख को। क्या नाम है बच्चे का? दीपक रावत। तुम्हारा नाम क्या है? दिलीप रावत। कहाँ के रहने वाले? हाँ बाबा। क्या हुआ था बच्चे? पैसे की मांग कर रहे हैं तुमसे? हाँ वहाँ पे पैसे बोल रहे थे, वो फाइल नहीं दे रहे थे, यहाँ बच्चे जैसे आ गया था मैं वहीं पे रह गया था, बोला सर फाइल दे दो दवा कराना है, बोले पहले पैसा दो तब दवा वो फाइल देंगे, और बच्चे को वहीं पे इंजेक्शन लगवा दिए लगता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट।